यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आबो हवा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक का सिलसिला बढ़ता गया, वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता गया और आज वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। अगर हम बात करें मेरठ की, तो यहां पर AQI लेवल 250 से ऊपर पहुंच गया है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, वहां के AQI लेवल की बात करें तो हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर हम खड़े हैं वहां पर AQI लेवल क्या है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कि किस तरीके से AQI लेवल जो है वो 259 है जहां पर हम मौजूद हैं, जबकि ये एरिया काफी पॉश माना जाता है और ये कमिश्नरी चौक के नाम से जाना जाता है। यहां पर कमिश्नरी दफ्तर से लेकर SSP आवास, DM आवास, कमिश्नरी आवास सब कुछ यहीं पर मौजूद है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो 259 है। अगर हम बात करें सबसे प्रदूषित इलाके की मेरठ की, तो वो है पल्लवपुरम। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर कि पल्लवपुरम फेज 2 जहां पर AQI लेवल 265 है, यानी काफी खराब स्थिति में यहां पर वायु पोल्यूशन का स्तर है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी हल्की हल्की जो धुंध है, जो स्मॉग है, वो देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के जो पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है वो भी चिंतित है। और यही वजह है कि जो किसान फसलों के अवशेष जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जो गन्ना कोल्हू हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जा रहा है। लेकिन लगातार मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में इन तीनों जिलों का नाम आ रहा है और प्रशासन लगातार ये कवायद कर रहा है कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कम किया जाए, क्योंकि आने वाली दीपावली के त्यौहार में वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है और स्थिति भयावह हो सकती है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा।